मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ऐसा लगता है कि वर्तमान में कैंसर से मरने वाले मरीजों की संख्या में भारत में बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। चाहे हम हमारे फिल्मी कलाकार इरफान खान की बात कर लें, सोनाली बेंद्रे की बात करें, ठीक है, ऋषि कपूर की बात करें, अधिकतर हमारे जो कलाकार हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, हमको मालूम चल गया इनको जो है कैंसर हुआ और कुछ लोगों ने इस पर विजय भी प्राप्त की। विजय प्राप्त करने में आपके युवराज सिंह, ठीक है, सोनाली बेंद्रे और बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर को मात देकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो एक्चुअल में कैंसर है क्या, व्हाट इज कैंसर और ये किस तरह से फैलता है, इसके बारे में र्यूमर्स क्या क्या हैं, कौन कौन लोग इसमें जो है इससे बच सकते हैं और किस तरह के लोग हाई रिस्क फील्ड में आते हैं, लेट्स स्टडी। सो व्हाट डज कैंसर मीन टू यू, हमारे लिए कैंसर कैसा हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टेरिफाइंग इलनेस एक बहुत लंबी और बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें हमारे बाल भी झड़ जाते हैं और उसका उपचार सिकाई के द्वारा होता है, दवाइयों के द्वारा होता है, पूरा शरीर इससे पीड़ित रहता है। कुछ लोग सोचते हैं वेरी हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ डिसीज़, क्या पता है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से फैलता होगा, और नाम सुनते से ही बहुत से लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि ये एक स्वास्थ्य से संबंधित एक गंभीर बीमारी है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत होना ही होना है हर व्यक्ति को। कुछ लोग इससे बहुत डर भी जाते हैं, अरे उसको कैंसर होगा, एकदम से उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। सो कैंसर इज ए डिसीज़ वेयर सेल ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन्वेड इरोड एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। देखते हैं कैंसर और क्या क्या है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के पहले की बात है, और बहुत लंबे समय के पहले की बात है, और लंबे समय पहले की बात है। व्हेन इज ए ट्यूमर नॉट ए कैंसर, जब ये कैंसर बिनाइन अवस्था में था, प्राइमरी अवस्था में था और मैलिग्नेंट नहीं हो पाया था। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड टू अदर एरिया इन द बॉडी। जब एक ट्यूमर एक जगह स्थिर रहता है तो उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, वो कभी भी एक से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट आर द रिस्क, रिस्क हैं कि भाई किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता। तो मैलिग्नेंट न्यूरोप्लास्ट, मैलिग्नेंट का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यू, नियर बाई सेल को भी पीड़ित करना, और न्यूरोप्लास्म का मतलब होता है ए न्यू ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑफ कैंसर। कैंसर की एक नई सेल को न्यूरोप्लास्म कहते हैं और कैंसर की स्टडी को न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है। सो पीपल ऑफन थिंक ऑफ द वर्ड कैंसर एज डिस्क्राइबिंग सिंगल डिसीज विद ए सिंगल कॉज। वो कहते हैं किसी एक बीमारी के, पहले सोचते थे कि कोई एक बीमारी है जैसे टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है, आप एंटीबायोटिक ले लीजिए ठीक हो जाएगी, तो ऐसा सोचते थे एक पर्टिकुलर कारण है और उसके कारण ये कैंसर होता है। लेकिन देयर आर ओवर 200 डिफरेंट कैंसर दैट कैन ऑकर एनीवेयर इन द बॉडी। लेकिन आज के हमारे रिसर्च बताते हैं कि 200 से अधिक प्रकार के कैंसर बॉडी में किसी भी सेल में हो सकते हैं। देयर आर मैनी प्रोसेस दैट कंट्रोल ए सेल ग्रोथ एंड डिविजन। हमारी बॉडी में सेल्फ कंट्रोल की क्षमता पाई जाती है जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं। सेवरल ऑफ दीज कंट्रोल मैकेनिज्म मस्ट बी अफेक्टेड फॉर ए सेल टू बिकम कैंसरस। जब भी ये हमारी अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल्ड ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जो भी हमारी मशीनरी जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस के द्वारा खुद अपने आप रेगुलेट होती है, जब ये रेगुलेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो द सेल बिकम अ कैंसरस सेल। सो कैंसर डेवलप बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन बिटवीन अवर जीन एनवायरमेंट एंड चांस। तो तीनों कारण हो सकते हैं, नंबर वन जीन, ऑन्कोजीन के कारण, क्योंकि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ईच पर्सन ऑफ द बॉडी। सेकेंड है एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, हम किस जगह पर रह रहे हैं, बहुत अधिक पॉल्यूशन वाला पर्यावरण है, बहुत अधिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज़ हम कर रहे हैं, बहुत अधिक हमारे खाने में पैकेज्ड फूड का उपयोग किया जा रहा है जिसमें बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। लगातार हम प्रिजर्वेटिव के रूप में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कॉजेज ऑफ कैंसर। और चांस, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को इतना होने के बाद भी यदि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उसको कैंसर होने की संभावना कम रहती है, और जिन व्यक्तियों के शरीर में इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो उनका चांस कैंसर होने का ज़्यादा है। सो नॉर्मल बॉडी सेल ग्रो डिवाइड एंड डाई इन एन ऑर्डिनरी फैशन।
हर व्यक्ति का जन्म होता है, बढ़ता है और मृत्यु होती है। इसी प्रकार हर सेल वर्थ करता है, ग्रो करता है, डिवाइड होती है और डाई हो जाती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट इन कैंसर सेल डिफरेंट, बिकॉज दे डू नॉट डाई। कभी भी कैंसर सेल मरती नहीं है, दे जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड इन ए डिसऑर्डरली फैशन। वो कहीं भी प्रकट हो जाती है, पूरे शरीर में किसी भी जगह पर अंडर थ्रू ब्लड स्ट्रीम मूवमेंट करती हैं और कहीं भी जाके अपना काम शुरू कर देती हैं। सो कैंसर कैन ऑकर एट एनी एज, लेकिन 67% केसेस डेथ जो है 65 साल के बाद की उम्र में होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, कैंसर कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल नेशनैलिटीज एंड एज ग्रुप। संसार में किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में ये कैंसर हो सकते हैं। दिखाई कैसे देती हैं, व्हाट डज कैंसर लुक लाइक? नॉर्मल सेल की जब हम बात करेंगे तो ये नॉर्मल सेल आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। ये नॉर्मल सेल है, बिल्कुल देखिए आप लाइन वाइज हैं, कोई किसी प्रकार का उनमें डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कैंसर सेल में जब आप देखोगे तो इस तरह से इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और अनकंट्रोल्ड जो है वो सेल ग्रोथ करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये इन्वेसिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ए ब्रीफ थ्योरी हिस्ट्री ऑफ टाइम, कैंसर के मिथ क्या क्या है वो देख लीजिए। कुछ सोचते हैं कि कैंसर इज कॉन्टेजियस, कंटामिनेटेड डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। नहीं, कैंसर कंटामिनेटेड नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। कुछ लोग सोचते हैं शार्क डू नॉट गेट कैंसर, ये भी गलत बात है। कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय ए ब्लो टू द बॉडी, कैंसर एंड द मीडिया, मीडिया में बहुत अधिक प्रचारित प्रसारित किया जाता है। समय समय पर उल्टी सीधी खबरें आती रहती हैं कि कैंसर इनके कारण हो सकता है, इनके कारण नहीं हो सकता, और इनका किसी भी रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में आने वाली खबरें, मीडिया में आने वाली खबरें 100% सच नहीं होती। जैसे कि BBC लंदन ने कहा था कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी स्क्रीनिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि सरासर गलत है। अब स्क्रीनिंग कराएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अभी वो स्टेज कौन सी चल रही है। फिर उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ पेशेंट विद प्रोवन लेट स्टेज लंग कैंसर, और इस तरह से कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करते फिर भी कैंसर हो गया। इस तरह से मीडिया क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता रहता है। हमें किसी भी भ्रम में नहीं आना चाहिए। जिन चीज़ों से कैंसर होता है, जो हमारी गवर्नमेंट बता रही है, उनसे 100% होता है, उनसे हमको अवॉइड करना चाहिए। चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, इन चीज़ों से हमको, और ख़ास तौर से पैकेज्ड फूड से बचने की कोशिश करना चाहिए। तो कैंसर स्टेट देख लेते हैं, कौन कौन से स्टार्स को कैंसर हुआ। हमारे अधिकतर यदि हम विदेशी कलाकारों की बात करें तो ये सब कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित रहे हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा कैंसर जो है टॉप पर रहा है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला, और पुरुषों का लंग कैंसर, ये सबसे अधिक मात्रा में होने वाले कैंसर हैं। इसके अलावा और भी कैंसर हैं जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल प्रोस्टेट कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, मेलेनोमा, स्टमक कैंसर, इसोफेगस, पैंक्रियाज, किडनी, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये सब कैंसर के कारण हैं। चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे आपके स्टीव जॉब्स, ठीक है, ये सब के सब जो है वो, चाहे आपके जो प्रसिद्ध डांसर हुए हैं माइकल जैक्सन, सब के सब इनको जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर हुआ और वो कैंसर को हारा नहीं पाए, उल्टा वो खुद हार गए। सो ये top 10 कैंसर डेथ के कारण है। अब हम जब उपचार की बात करें तो उपचार किस तरह से हो सकता है, हाउ डू वी मेजर सर्वाइवल ऑफ कैंसर। तो सर्वाइवल स्टेटिक फॉर कैंसर आर यूजुअली रिटन एज 5 ईयर सर्वाइवल और 10 ईयर। तो इसके सबसे पहला तरीका है कि बायोप्सी द्वारा हम इसका पता लगाएं, या PCR के द्वारा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज मस्ट, और उसके लिए हमें स्क्रीनिंग करना पड़ेगी। साल में, 2 साल में कभी भी आपके, या आपके परिवार में, या आपके मोहल्ले में, गांव में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको तुरंत कैंसर हॉस्पिटल भेजकर अर्ली डायग्नोस किया जाए, और अर्ली स्टेज में ब्रायन अवस्था में इसका आराम से सर्जिकल रिमूवल होता है। किसी प्रकार का कोई भी खतरे की संभावना नहीं रहती। जितनी देर आप करेंगे उतना ही आपके मरीज का खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैंसर से उपचार के लिए हम सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड, और दोनों सर्जिकल और केमिकल दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये कैंसर की बात हुई। सो कैंसर डायग्नोस रजिस्ट्री इज नॉट कंपल्सरी यूरोप एज इट इज़ इन द UK। इसकी जो है डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी
ट्रीटमेंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच।